आप सबका स्वागत करते हैं। आज क्लास में लाए हैं स्ट्रिंग आर्ट। तो हमारे क्लास में आए हुए सभी बच्चों को इस बार स्ट्रिंग आर्ट बनाना सिखाएंगे। इसको बनाना एकदम ईजी है। इसके लिए बच्चों सामग्री लगेगी या लकड़ी का बोर्ड, अपने डिजाइन के आकार का ले सकते हैं या चाहे तो प्लाईवुड का टुकड़ा भी कटवा कर ले सकते हैं। कील, अपने मन पसंद कलर का रेशमी धागा, सफ़ेद कार्बन और डिजाइन, बस इतना ही सामग्री इसमें लगेगा। चाहे तो बोर्ड को पहले एक कोट कलर भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया है। मार्केट में लकड़ी का कलर मिल जाता है, वैसे अगर कलर नहीं करना चाहे तो भी यह आर्ट बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। कील 1.5 इंच वाला ही सही रहता है। वैसे तो यह बनाने में सरल है, परंतु डिजाइन ज़्यादा कठिन ना ले। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कोई सरल डिजाइन ही लें। तो चलो बच्चों, सबसे पहले डिजाइन को इस बोर्ड के ऊपर ट्रेस करना बताएंगे। स्ट्रिंग आर्ट में इस बार हम क्लास में वायलिन बनाना बच्चों को सिखाएंगे, यह सरल रहेगा। पूरा आउटलाइन पूरा बनाना है। ये देखिए ड्राइंग हो चुका है, इसमें डिजाइन उखाड़ लिए हैं। बच्चे हैं इसीलिए सरल डिजाइन ही बनवाएंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कठिन डिजाइन नहीं बना पाएंगे, इसलिए सरल वाला ही बनवा रहे हैं। अब ये पूरा ड्राई हो चुका है, अब इसके ऊपर एक साइज का ही कील लगाएंगे। चलिए कील को इस प्रकार लगाना है। और थोड़ा और अच्छे से जहाँ जहाँ निशान लगा है ना, वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जहाँ निशान लगा है। रुको, हाँ नहीं थोड़ा और पास में देखिए बच्चों, इसको रेशमी धागा से ही बनाएंगे। इसको जरी वाली धागा से भी बनाते हैं, पर अभी आप लोगों को इसको रेशमी धागा से ही बनाना बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसको गठान लगाएंगे, गठान को छुपा देना है। गठान जो लगाएंगे फिर वह गठान छुप जाना चाहिए। इस प्रकार एक जगह इसको गठान लगाएंगे। अब इसको इस प्रकार से भी इसको डिजाइन देंगे, लपेटते जाएंगे। जैसे यहाँ से इसको यहाँ फंसाए, यहाँ से फिर यहाँ लाए, इस प्रकार इसको करते जाएंगे। जितनी बार भी लपेटना चाहें, 4 बार 5 बार, उसके बाद फिर दूसरे में जाना है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ये ध्यान देना है कि यह रेशमी धागा टूटे ना,
बस यह टूटन आना ही चाहिए, टूटने से पूरी डिजाइन बिगड़ जाएगी। इसको एकदम सधे हाथों से इस प्रकार लपेटते जाना है, कहीं भी फंस करके टूटना नहीं चाहिए, टूटने से हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। बहुत ही धीरे और सधे हाथों से इसको आप लोग बनाओ। बस इसी प्रकार लपेटते जाना है। इसके बाद दूसरे कील में जाना है। इसके बाद जैसे दूसरे कील में जाएंगे, देखिए इसमें पूरा कील लगा लिए हैं। जब भी इसमें कील लगाएं, उस कील का नाप एक ही साइज का होना चाहिए, जैसा 1.5 इंच ले या 2 इंच, सब कील का नाप एक बराबर, छोटा बड़ा नहीं लगाएंगे, बनाने में आसानी रहती। और इसको तो हम खुद ही लगाए हैं कील को, आप यदि चाहें पहली बार यदि बना रहे हैं तो कारपेंटर से भी लगवा सकते हैं, कारपेंटर से, पर इसको हम घर में खुद ही लगाए हैं। इसको एक ही साइज का कील लगाएं और एक लेबल में लगाएं तो बनाते समय आसानी रहेगी। अब इसमें रेशमी धागा लपेटते जाएंगे। देखिए यह लकड़ी का पेंट है, यदि चाहे तो आप लोग इस पेंट को एक और कील लगाने से पहले लगा सकते हैं। यह लकड़ी कलर का है, हम इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर मिला के ब्लू बना दिए हैं, पर इसको लेकर के यदि चाहे तो इसके बिना भी यह डिजाइन बना सकते हैं। यह स्ट्रिंग आर्ट पूरा बन चुका है, इसे 2 या 3 कलर के रेशमी धागे से भी बना सकते हैं। इसका प्लाई बोर्ड 6 से 8 mm का लेना है, न उससे मोटा न पतला। स्ट्रिंग आर्ट को जरी से भी बनवाते हैं, जैसे ये फाइटर प्लेन को बनवाए हैं, इससे मजबूती रहती है। और स्ट्रिंग आर्ट में मोर, मछली, चिड़िया, फ्लावर, फाइटर प्लेन इत्यादि बना सकते हैं। तो इसको बनाइए आप लोग भी, और ये हम फाइटर प्लेन बनवाए हैं इसमें। देखिए जैसे इसको कांच से फ्रेम करा है, उसी प्रकार अब यह तैयार है, इसको भी कांच में फ्रेमिंग करवा सकते हैं। जैसे फाइटर प्लेन कांच में फ्रेम हुआ है, बिल्कुल उसी प्रकार इसको भी करा सकते हैं। देखिए हमारा यह स्ट्रिंग आर्ट बन चुका है, इसे चाहे तो 2-3 कलर के धागे में भी बना सकते हैं, इसको सिर्फ 2 ही कलर के धागे से बनवाना है। जैसे बीच में ऑरेंज है तो इसको अपने मनचाहा कलर में 2-3 कलर से भी बना सकते हैं, बस यह उलझना और टूटना नहीं चाहिए, इसी बात का ध्यान रखना होता है। और यदि चाहें आप तो जरी से भी बना सकते हैं, जरी से बनाने में ज़्यादा मजबूती रहता है। जैसे इसको जरी से बनाना है, देखिए जरी से बनाने में ज़्यादा मजबूती आती है, तो जरी से भी बना सकते हैं, रेशमी धागा से भी बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए यह स्ट्रिंग आर्ट, यह बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने